हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं एक और न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी के लिए जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, अभी टॉपिक है, मैं दुर्गा माँ की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग एडवाइस आ रही है आने वाले 9 दिनों के लिए। ठीक है, दुर्गा नवमी तक का प्रेडिक्शन मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ठीक है, आप सभी को पता है कि नवरात्रि फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर आप सभी को पता है कि माता रानी के दिन स्टार्ट हो गए हैं। तो माँ आपको किस तरीके से गाइड करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, इन दिनों आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी हीलिंग अच्छे से हो सके और आप अपनी जर्नी में इजीली आगे बढ़ सकें। तो जो भी यहाँ पर रीडिंग में आएगा मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पर जानेंगे कि दुर्गा माँ का आशीर्वाद आपके साथ वैसे तो हमेशा ही है, लेकिन वो आपकी परफॉर्मेंस से कितना खुश हैं, आप कितना अच्छा कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, मैं ये भी पता लगाने की कोशिश करूँगी। तो बेसिकली रीडिंग में जो भी आएगा मैं आपको बताऊँगी, ये आपके लिए बहुत अच्छी गाइडेंस हो सकती है। और इन दिनों आप किस तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं अपनी जर्नी में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स लेकर आने के लिए, मैं आपको ये चीज़ें भी बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। लेकिन यहाँ पर दो ग्रुप हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए मैंने यहाँ पर जस्टिस का कार्ड रखा हुआ है। तो अगर आप इस वाले कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जस्टिस फॉर पाइल 1, देख लें कार्ड को अच्छे से। एंड पाइल नंबर 2 के लिए है यहाँ पर जजमेंट का कार्ड। तो इस वाले कार्ड से अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो पाइल नंबर 2 आपका है। ओके, ध्यान से सोच समझ कर एक पाइल को सिलेक्ट कर लीजिए, देन मैं आपको आपके रीडिंग पर मिलूंगी। जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। जो अगर ये रीडिंग आपके साथ पूरी मैच हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो पार्ट आपके साथ मैच होता है आप उसको रखिए, बाकी को आप इग्नोर कर दीजिए। और रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप देख सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल सकती है क्योंकि ये टाइमलेस है, तो ये हर टाइम वर्क कर सकती है आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से और देखते हैं क्या आता है। हेलो एवरीबॉडी, तो जिन्होंने भी चूज़ किया पाइल 1, चलिए देख लेते हैं दुर्गा माँ की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। लेट्स सी, सबसे पहले मैं चाक्रा विजडम और ओरेकल डेक से कुछ कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए। देख लेते हैं क्या आपके लिए गाइडेंस, अबेंडेंस, ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज आ रही है। वाओ, डिस्कवरी, ब्यूटीफुल। एक्सेप्टेंस, वाओ, मैंने क्यों वाओ कहा मैं बताऊंगी आपको। ओके, ये कार्ड आया है आइसोलेशन। सेल्फ वर्थ and we have prayer. Good, good. Oh my God, we have miracle. What on the deck से हमें miracle मिला है आपके लिए। मैंने क्यों wow कहा था? क्योंकि दोनों cards में angels आपके साथ दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी angel आपके साथ हैं और यहाँ पर भी angel आपके साथ हैं। यहाँ आपको blessing देते हुए दिख रहे हैं दोनों हाथों से, ठीक है? और यहाँ पर तो आपका shoulder ही पकड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? Angel आपके around है। एंजल आपके साथ हैं हर वक्त। आप डिस्कवर कर रहे हैं तो एंजल आपके साथ हैं। आपने अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन एंजल आपके हमेशा साथ हैं। इसका मतलब है आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है एंजल्स के साथ। जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है, डेफिनेटली आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ, दुर्गा माँ के साथ। तो मुझे इसीलिए बहुत अच्छा लगा। राइट नाउ गाइज, यू आर इन आइसोलेशन, यू नो, एक आइसोलेटेड फेस में आप हैं, एक आइसोलेटेड लाइफ आप जी रहे हैं। इवन यू हैव योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स, बट स्टिल यू आर अलोन, मुझे ऐसे दिख रहे हैं आप। लेकिन यही फेज ना आपको आपकी सेल्फ वर्थ तक लेकर आने में आपकी बहुत हेल्प कर रहा है। आपकी प्रार्थना में बहुत ताकत है, इतनी ताकत है कि भगवान आपके पास हैं। आपकी प्रार्थना भगवान को आपके करीब लेकर आ रही है और ये क्लियर दिख रहा है मुझे कार्ड्स में। इतनी स्ट्रांग आपकी प्रार्थना है, प्रार्थना और आपका जो अब एक बिहेवियर है, एक नेचर है, वो डिवाइन को बहुत पसंद आता है, इसलिए डिवाइन आपके इतना क्लोज आ चुके हैं।
आपकी प्रार्थना में, सच में आपकी प्रार्थना, आपकी प्रेयर, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल हो चुका है कि डिवाइन आपके पास आने के लिए मजबूर हो गए हैं, आपको अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए मजबूर हो गए हैं। कुछ तो आपने किया है ना जिससे कि आपने डिवाइन का दिल जीत लिया है। ये चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है, आपको जस्टिस चाहिए डिवाइन से और डिवाइन आपको जस्टिस देंगे। सेल्फ वर्थ अचीव किया आपने अपनी लाइफ में, और नहीं किया तो आपके पास आ रहा है, बिकॉज आप एक आइसोलेटेड लाइफ में ना बहुत हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो मुझे। हार्डवर्क किया है तभी तो एंजल्स आपके साथ हैं, वरना बैठे हुए होते, रोते हुए होते तो फिर नहीं होता ये सब कुछ। चलो टैरोट से देखते हैं। इस आइसोलेटेड फेज से गाइस घबराइए मत, ये यही फेज एक ऐसा है जो आपको आपकी प्रोग्रेस तक लेकर जा रहा है। प्रार्थना करते रहो, डिवाइन तो आपके हर वक्त साथ है, वो आपसे दूर नहीं हो सकते। आप डिवाइन बिल्कुल भी नहीं हो सकते। आप सच में ना, आपकी प्रेयर देखो, ये मिरेकल आपकी लाइफ में लेकर आएगी। आपकी प्रार्थना, आपके सपने पूरे होंगे, आपके पास सेल्फ वर्थ आएगा, डिवाइन आपके साथ है। आप हार्डवर्क करते रहो, आपको आपका रिवॉर्ड अवार्ड सब डिवाइन देंगे। सेल्फ वर्थ आ रहा है आपके पास। वी हैव डेथ एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टू ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ सोल्स। नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। मुझे कप्स के कार्ड ज्यादा दिख रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे ना कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पर। इसके अलावा मुझे लिब्रा या टेन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, वी हैव हर्मिट, ओके, यहाँ पे यहाँ पर है कैप्रिकॉन, डेविल एंड एम्परर, एरीज एंड लवर्स। वाओ, थ्री मेजर अरखानास लेते हैं इन कार्ड्स को। यहाँ से है डेविल, लवर्स एंड द एम्परर। क्लियर है गाइज, मे बी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, बिकॉज लवर्स भी है यहाँ पर, डेविल भी है। ये मुझे अच्छे लगे दोनों कार्ड एक साथ, डेविल एंड लवर्स। आप एक बहुत ही स्पेशल कनेक्शन में हो, जो आपके दिमाग पर भी हैवी है और दिल पर भी हैवी है ये कनेक्शन। तभी तो दूसरों की कंपनी आपको इतनी पसंद नहीं आती। या तो आपको डिवाइन से बातें करना पसंद है, या फिर आप उस दिन का वेट कर रहे हो जब आपके पार्टनर आपके पास होंगे, तभी आप खुलकर बात करोगे उन्हीं के साथ। आपको ना एक अलग ही तरह की वाइब फील होगी जब आपके पर्सन आपके पास होंगे, जब आप उनसे बातें करोगे, उनकी बातें सुनना, अपनी बातें बताना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा सिर्फ उसी पर्सन के साथ। फिलहाल तो गाइज मैं आपको बताती हूँ, आप अपनी लाइफ में इस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान दे रहे हो। आपको अपनी ज़िंदगी में चेंज लेकर आना है, इतना अच्छा चेंज, इतना बेटर चेंज जो आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देगा। जो आप पाना चाहते हो आप उसी के पीछे भाग रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात है। आप दोनों ही ना मुझे इस टाइम राइट नाउ, अगर आप देखो, मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आपके दिल में, दिमाग में कोई पार्टनर है, ठीक है। इवन आपके दिमाग में आपके सपने भी हैं, तो मैं बता रही हूँ कि क्या कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। आप दोनों ही, आपके पर्सन और आप दोनों ही, आप इस टाइम प्यार मोहब्बत को ज़्यादा फोकस नहीं दे रहे हो, अपने अपने मैनिफेस्टेशन पर ध्यान दे रहे हो, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड यू नो, ये बर्डन मुझे आपके शोल्डर्स पर दिख रहा है। आप रातों को जागते हैं बिकॉज यू हैव समथिंग यू नो वेरी बिग टू अचीव। आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, और आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ सॉलिड अचीव करें जिससे कि आपका नाम हो जाए, आपको फेम मिले, ठीक है, आपके रिस्पेक्ट बढ़ जाए। तो अभी आपका पूरा पूरा मोटिव यही है कि आप एक एम्परर बने। आप दोनों का ही है ये, सिर्फ एक का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस देखो, दुर्गा माँ की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ये कनेक्शन, ये भूलने वाला कनेक्शन नहीं है, और ये कनेक्शन मैं बता रही हूँ तभी आपका रीयूनियन होगा या यूनियन होगा जब आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। नाइन ऑफ कप्स, ठीक है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो माँ है वो एक जो रोल प्ले कर रहे हैं वो यही है कि वो आपकी केयर कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन, अपनी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं,
ठीक है, ताकि आप इस आइसोलेटेड लाइफ में इजीली अपने टास्क को पूरा कर सकें। कहीं ना कहीं आपकी भक्ति, आपकी पूजा एक मिरेकल अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, और आपका हार्ड वर्क भी। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा कभी कभी ना सैड हो जाते हो कि क्यों हम दोनों बात नहीं कर रहे हैं। दोनों को बराबर एक दूसरे की याद आती है, लेकिन आप दोनों को पता है कि ये कनेक्शन इतना इजी नहीं है अचीव करना, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास आपकी प्रार्थना में इतनी पावर है ना कि यस, माँ दुर्गा भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं ताकि आप अपने वर्क में अच्छा करें एंड देन आपका यूनियन भी हो जाए, ठीक है। तो यस गाइस, यू आर लकी कि आपके पास दुर्गा माँ की ब्लेसिंग्स हैं। और यहाँ पे प्रेयर का कार्ड आना, मिरेकल का कार्ड आना, मेरे लिए बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा है कि आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। आपकी आवाज़, आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थना, आराधना सब भगवान तक पहुँच रही है और आप हील हो रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। तो ये आपके लिए गुड लक है, ये आपके लिए बेस्ट है कि ऐसा आपकी ज़िंदगी में अब होना स्टार्ट हो गया है। चलिए मैं एडवाइस देख लेती हूँ आपके लिए। वेट अ सेकेंड, या स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखो, आपको अभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है गाइस। हार्ड वर्क करना है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना है आपको। फिर जब आप हार्ड वर्क करेंगे तो ही आप ये मिरेकल और ये पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये आपके हार्ड वर्क से आएगा आपकी लाइफ में, और आप हार्ड वर्क करोगे, डिवाइन आपके साथ हैं, डिवाइन आपको मोटिवेट करेंगे, एनर्जी सेंड करेंगे, आपको ब्लेसिंग्स देंगे, तो ये चीज आपके लिए पॉसिबल हो सकती है। और देख लेते हैं, या अप्रोच लगाइए कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए। वैसे आपका हार्ड वर्क पे होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज डिवाइन इज विद यू, सो यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड एंड यू आर लकी ऑल्सो। तो डोंट वरी, जितना हो सके हार्ड वर्क कीजिए। आपका हार्ड वर्क पे भी हो रहा है, वो हमें क्लियर दिख रहा है कार्ड से, बट स्टिल आपको अभी थोड़ा सा और अपने आप को इम्प्रूव, और ये बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में और कितना आगे बढ़ सकते हो विदाउट एनी टेंशन, ये अभी थोड़ा सा आपको और काम करना है, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान दीजिए। और अगर आप इन दिनों मैनिफेस्टेशन कर तो आप रही हैं, लेकिन अगर आप मेडिटेशन भी करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। आपको पीस मिलेगा और आपको डेफिनेटली साइन भी मिलेंगे, आपको कुछ ना कुछ हिंट्स मिलेंगे डिवाइन की तरफ से जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे आपकी जर्नी के लिए, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना है गाइस, बाय, टेक केयर। हेलो एवरीबॉडी, तो जिन्होंने भी चूज़ किया है पाइल टू जजमेंट का कार्ड, देख लेते हैं माँ दुर्गा की तरफ से आपके लिए क्या अबंडेंस ब्लेसिंग एडवाइस आ रही है, माँ आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी रीडिंग में आएगा मैं आपको बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चाक्रा विजडम और एकल डेक से देख रही हूं। इम्पास, ओ यू सिलेक्ट जजमेंट एंड इम्पास का कार्ड आ गया, फसाद। ओके, प्रेयर, ब्यूटिफुल क्रिएशन, अबंडेंस, ब्यूटिफुल। यहां से है रिलीज। रिलीज कार्ड क्यों आया आई विल टेल गाइज। सबसे पहली बात है, रिसेंटली मे बी कोई लव्ड वन आपको छोड़ के चला गया है, मुझे ऐसा दिखाई दिया है यहाँ पर। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अनफेयर हुआ है, वो आपके लव्ड वन थे और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो आपके साथ यू नो इंसाफ नहीं हुआ है, कुछ इस तरह का आपको फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि उनकी कमी आपको खल रही है
और आप देखो ये कोई भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली में हो सकते हैं या फिर आपके लवर हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यस, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सॉरी टू से, बट यस, ऐसा कुछ हुआ है आपकी ज़िंदगी में, आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में, तो आप थोड़ा परेशान हो गए हैं, आप रोते हैं, परेशान होते हैं, और कहीं ना कहीं अपने काम पर ना फोकस करके पूरा टाइम वही आपके दिमाग में घूम रहे हैं। तो ये टाइम आ गया है कि अब आप इन चीज़ों को रिलीज़ कर दें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी रुकी नहीं है। जो भी आपको छोड़ के गया है, उनके लिए भगवान कोई और ज़िंदगी बनाने वाले हैं, वो किसी और फेज़ में जाने वाले हैं, ठीक है। एक अनदर, मे बी अनदर गैलेक्सी, मे बी अनदर रैलम, बट आप अभी अर्थ पर हैं, तो आपको अपना पाथ फॉलो करना है, अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है। जो आया है वो गया भी है, तो ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर कर रिलीज़ कर दीजिए हर तरह की टेंशन, पेन, ठीक है, और ख़ुद को इस पेन से रिलीज़ कर दीजिए। क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो आप अपनी लाइफ में स्टक हो और आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। इसीलिए आपको, और पता है, जब तक आप ये पेन नहीं रिलीज़ करोगे ना, आपकी ज़िंदगी में कोई और आएगा भी नहीं, क्योंकि आपने कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लिए हैं अपनी ज़िंदगी में। जो आपकी लाइफ में, जो आपकी जर्नी में, जो लोगों का मिलना लिखा है, वो भी आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। तो गाइस, प्रार्थना करो दुर्गा माँ से कि वो आपको इस पेन से बाहर निकालने में आपकी हेल्प करें, ताकि आपका ध्यान आपके काम में लगे। और आप बहुत क्रिएटिव हो, इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो चीज़ों में, यूनिवर्स के जो लॉज हैं उनमें भी, तो आप क्यों नहीं ये चीज़ एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि आपके जो भी लव वन है, देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये नहीं हो सकता कि छोड़कर चले गए, कुछ लोगों के साथ डेफिनेटली ये बात मैच करेगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये आंसर्स मिले हैं, ये मैसेजेस मिले हैं। कुछ के केस में ये भी हो सकता है कि कोई पार्टनर था आपका जो पूरी तरीके से छोड़कर चला गया है आपको, ठीक है। वो इंसान आपको छोड़कर चला गया, या तो आपको उसकी सच्चाई पता लगी है, या उसने अपनी सच्चाई खुद आपको बता दी है, तो वो इंसान पूरी तरीके से छोड़कर चला गया है आपको, और उसके आने के चांसेस भी नहीं है, बिकॉज़ वो कार्मिक हो सकता है। तो यहाँ पर आपको अब ये है, आपके दिमाग में बार 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 वही आ रहे हैं, और आप बिल्कुल अपने वर्क में, अपनी स्टडी पर आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। आपको लग रहा है आपके साथ ठीक नहीं हुआ है, आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, आपको जजमेंट चाहिए, लेकिन आपको इन सारे क्वेश्चन से खुद को रिलीज करना है, ठीक है। क्योंकि अगर कार्मिक था तो उसका रोल यहीं तक था, आगे उसका कोई रोल नहीं है। अब आपको अपना लेसन सीखना है जो वो देके गया है आपको। और अगर आपके लव वन जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो आपको इस नियम को मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो आया है वो जाएगा भी, लेकिन आपको अपनी जर्नी नहीं रोकनी है, आपको आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में जो काम आपको करने हैं वो पूरे करने हैं, ठीक है, और अपनी ज़िंदगी को ऐसे बांध के नहीं रखना है। तो आप इन 9 दिनों में प्रार्थना कीजिए कि माता रानी आपको स्ट्रेंथ दे, आपको शक्ति दे, कि आप इस पेन से खुद को निकाल पाएं, और जो कार्मिक के साथ थे वो मूव ऑन कर सकें अच्छे से। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप थोड़ा स्पेस बनाएंगे अपनी लाइफ में, जहाँ पर आप उन लोगों से मिलेंगे जो आपकी जर्नी में, जिनका लिखा है मिलना आपसे, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपने ब्लॉकेजेस क्रिएट की हुई है, तो ये आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी में वो पर्सन आए जो आपके सोल ग्रुप से है, आपकी सोल जर्नी से है, तो आपको पास्ट में जीना नहीं होगा। पास्ट को रिलीज़ कीजिए, फ्यूचर प्रेजेंट में जिए, और फ्यूचर के लिए मैनिफेस्ट करें, तो ये पर्सन आपके पास आएंगे। जो चला गया उसको लेट गो कर दो, और जो आएगा उसके लिए मैनिफेस्ट करो, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। टैरोट से देख लेते हैं आप। चलिए यहां से देखते हैं क्या आता है आपके लिए। यस गाइस, बहुत अकेले दिख रहे हो मुझको आप। या 7 ऑफ सोल्स, कोई है पर्सन जो आपको छोड़ के चला गया, और आप बहुत अकेला, बहुत ही पेन फील कर रहे हैं इस टाइम। लोगों से लड़ाई झगड़े, थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव भी आपका मुझे दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, कुछ कुछ के केस में मुझको ये भी दिख रहा है कि
जिनके पेरेंट्स नहीं रहे हैं तो आपका लड़ाई झगड़ा हो रहा है आप ही के सिबलिंग्स के साथ, मे बी प्रॉपर्टी को लेकर कुछ ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, या मुझे लड़ाई झगड़े होते हुए दिख रहे हैं आपके साथ, कुछ के साथ ये बात मैच करेगी। प्रॉपर्टी के चक्कर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड एरीज लियो सैज दिख रहा है मुझको, या जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है। देखो डिसेप्शन का भी कार्ड है यहाँ पे, द मून, मतलब कि बहुत चीजें हैं जो आपको पता भी नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे थे तो बिना बताए चुपचाप एकदम शांत हो गया है और आपसे बात करना चाहता नहीं है और ना आपको कोई क्लैरिटी देना, बस उसने बोल दिया कि नहीं बात करनी और मूव ऑन कर लिया उस पर्सन ने। चाहते नहीं है ये पर्सन कि वापस आपकी लाइफ में आए, और अगर आए भी तो आपके इनके साथ झगड़े लड़ाइयाँ ही बढ़ेगी, ठीक है, जो अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे थे, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। अच्छा, कुछ के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ है, हो सकता है कि इन 9 दिनों के अंदर अंदर आपका रिश्ता आ जाए, जो लोग शादी के लिए वेट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन ये मुझे रिश्ता आपके घर वालों की तरफ से आता हुआ दिख रहा है, तो अरेंज मैरिज है ये, तो आपका रिश्ता पक्का हो सकता है आने वाले 9 दिनों में। कुछ के लिए मुझे ये भी गुड न्यूज़ यहाँ पर दिख रही है, कोई न्यू बिगनिंग आपके लिए हो रही है। लेकिन यस गाइस, जो कुछ का मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी चक्कर दिख रहा है, लड़ाई झगड़ों का, और कुछ को यहाँ पे बहुत दुख है कि उनके लव वन चले गए छोड़ के, और कुछ को अपने पर्सन को लेकर थोड़ी दिक्कतें हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन बात है कि आपको मूव ऑन करना सीखना है, आपको प्रार्थना करनी है कि डिवाइन आपको, दुर्गा माँ आपको अबंडेंस दें, आपको आपकी हीलिंग में हेल्प करें, आपको क्लैरिटी दें, ठीक है, क्योंकि आपके वर्क भी आपके इन सब चीज़ों की वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है। तो आपको हर एक टेंशन को रिलीज़ कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपने लिए खुद अर्न करना है, खुद अपने लिए अबंडेंस हैप्पीनेस अर्न करना है आपको, ठीक है। और अपने साफ दिल रख कर भगवान से मैनिफेस्ट कीजिए, वो आपकी सारी प्रॉब्लम को धीरे धीरे सॉल्व कर देंगे। जब उन्हें लगेगा कि आप केपेबल हैं, यस, तो वो आपकी हर एक पैटर्न को जो भी अनहील्ड है वो डेफिनेटली हील होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कुछ के लिए मैरिज के चांसेस यहाँ पर हैं, तो ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट और थोड़ा सा इंट्यूटिव आप हैं ही, आपको पता है कि आपको किस तरीके से मैनिफेस्ट करना है, क्या आपको बोलना है, यू नो वेरी वेल। एंड आपके अंदर यू नो चेंजेस चाहते हैं डिवाइन देखना, कि आप खुद को हील करें, खुद को स्ट्रांग बनाएं, दूसरों पर डिपेंड ना हो, ठीक है। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो उसको भी आप अच्छे से कीजिए गाइस, मदद लें कानून की और अच्छे से एक वे में काम कीजिए। लड़ाई झगड़ा करने में कोई अच्छाई नहीं है, ठीक है, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, मनी भी वेस्ट होगी, ठीक है। और जो कार्मिक के साथ जो डील कर रहे थे, तो आपको लेट गो करना, यानी कि मूव ऑन करना सीखना है, आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में, और स्पेस बनाना है ताकि जो लोग आपकी जर्नी में आने वाले हैं उनको जगह मिले आपकी जर्नी में आने के लिए। क्योंकि अगर आप उन्हीं पैटर्न में घूमते रहोगे तो फिर आप स्टक हैं अपनी ज़िंदगी में, फिर कोई मूवमेंट इम्प्रूवमेंट नहीं आने वाला। बड़ी नज़र से सोचने की कोशिश कीजिए, अपने सोचने का नज़रिया बढ़ा दीजिए, पास्ट को भूल जाइए। देखिए, मैंने यही बोला था ना रीडिंग में, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। पास्ट को तो आपको भुलाना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा प्रेजेंट के लिए, आपको एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, नेगेटिविटी रिलीज करने की ज़रूरत है, एक्शन तो आपको लेना है सारी टेंशन को रिलीज कर। इसमें डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे, दुर्गा माँ आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेयर का कार्ड है, तो अगर आप प्रेयर करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको आंसर्स भी मिलेंगे। और हार्डवर्क करते रहिए गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यही है आपके लिए कुछ अर्जेंट गाइडेंस जो दुर्गा माँ की तरफ से आ रही है आपके लिए। आई होप कि रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताना, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।